नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, शास्त्रों में अमावस्या की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तिथि पितरों की तिथि मानी जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पंचांग के अनुसार इस साल की आखिरी अमावस्या 23 दिसंबर दिन शुक्रवार को पड़ रही है, जो कि बहुत ही खास होगी, क्योंकि दोस्तों पौष माह की अमावस्या इस बार बहुत ही शुभ संयोग में पड़ रही है, जिस कारण यह दिन स्नान दान पूजा पाठ व पितरों को प्रसन्न करने के लिए विशेष होगा। आज हम आपको साल 2022 की आखिरी अमावस्या, स्नान दान का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस दिन से माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा से ऐसी कौन कौन सी राशियां हैं जिनका इस दिन से भाग्योदय होने वाला है। तो आपसे अनुरोध करते हैं कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2022 में पौष अमावस्या 23 दिसंबर शुक्रवार को है। बता दें कि स्नान दान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:24 से सुबह 6:18 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। दोस्तों, संयोग देखिए कि साल की अंतिम अमावस्या तिथि शुक्रवार के दिन पड़ रही है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन कहलाता है। जी हाँ, इस दिन माता लक्ष्मी अपने भक्तों को विशेष लाभ प्रदान करती है, क्योंकि दोस्तों शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा के लिए समर्पित है। पंचांग के अनुसार इस दिन दोपहर 1:42 पर वृद्धि नामक योग का भी निर्माण हो रहा है। माना जाता है कि इस योग में किए गए कार्यों में हमेशा वृद्धि प्राप्त होती है। पितरों की तृप्ति के लिए अमावस्या तिथि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। जी हाँ, इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ दें और फिर पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध कर्म, स्नान दान और पितृ तर्पण करें। अमावस्या के दिन दोपहर के समय पूर्वजों के निमित्त पीपल के पेड़ में जल का अर्घ दें और दीपक जलाएं। अमावस्या पर किए गए इन कार्यों से पितृ आशीर्वाद जातक को प्राप्त होता है और संकट दूर होते हैं। दोस्तों बता दें कि पौष का महीना सूर्य देव को समर्पित है, इसीलिए इस महीने पड़ने वाली अमावस्या के दिन प्रातः स्नान के बाद सूर्य को जल का अर्घ दें। अमावस्या के दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान या घर में गंगा जल मिले जल से स्नान करें। इसके बाद पितरों को जल से तर्पण दें और फिर किसी ब्राह्मण को दान करें। इस विशेष दिन मछलियों को आटे की गोलियां और काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। दोस्तों बता दें कि अमावस्या पर किसी भी शिव मंदिर में जाकर तांबे के लोटे में जल भरें और शिवलिंग पर चढ़ाएं। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ में मीठा जल अर्पित कर पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना भी बहुत शुभ होता है। पौष अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए मध्य रात्रि में स्नान कर माँ अष्टलक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों अब चलिए आपको हम बता देते हैं कि आखिर वह भाग्यशाली राशियाँ कौन सी है जिनको इस पौष अमावस्या की तिथि के बाद
माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। जी हाँ, इन राशि वालों का अब भाग्योदय होने वाला है और इनकी अब लॉटरी भी लग सकती है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम ज़रूर लिख दें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली राशि है मेष राशि। बताना चाहेंगे कि मेष राशि के लोगों के लिए अमावस्या की रात ख़त्म होते ही इनके भाग्य के द्वार खुल जाएंगे। व्यापार में भी इन्हें अधिक धन लाभ प्राप्त होगा। ये लोग अब बहुत ही लकी साबित होने वाली हैं। इनके जीवन में अब खुशियां आएंगी। किसी भी कार्य में इनकी रुकावट अब नहीं होगी। पारिवारिक संबंध में अब इन्हें मजबूती देखने को मिलेगी। बुजुर्गों से आशीर्वाद आप लेकर हर कार्य अपना संपन्न करें, उसमें आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, अगली राशि है कन्या राशि। बताना चाहेंगे कि अमावस्या की रात ख़त्म होते ही कन्या राशि के लोग बहुत अधिक लकी साबित होने वाले हैं। जी हाँ, व्यापार में आ रही परेशानी अब आपकी दूर होगी। वैवाहिक जीवन में आपकी खुशियाँ आएगी। संतान पक्ष की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। आप अपने इष्ट देव की आराधना करें, आपके सब काम ठीक होंगे। दोस्तों, अगली राशि है तुला राशि। बता दें कि अमावस्या रात ख़त्म होते ही तुला राशि के लोगों के लिए बहुत ही शुभ अवसर शुरू होने वाले हैं। जी हाँ, खासकर कि विद्यार्थी वर्गों के लिए बहुत ही लकी साबित ये समय रहने वाला है। इन्हें इनके करियर में सफलता प्राप्त होगी और उन्नति मिलेगी। आने वाला समय आपके जीवन का सबसे सुनहरा समय साबित होगा। आमदनी के नए स्रोत आपको उपलब्ध होंगे। धन संबंधित परेशानियां आपकी दूर होगी। नौकरी के क्षेत्र में चल रहा प्रयास आपका सफल होगा। दोस्तों, बता दें कि अगली राशि है कुंभ राशि। इस अमावस्या के शुभ संयोग में कुंभ राशि वालों की बात करें तो इन लोगों की कई सारी परेशानियां अब दूर हो जाएगी। इसके अलावा जो लोग नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, उन्हें नौकरी मिल जाएगी। इसके साथ ही पैसों से संबंधित सभी मुश्किलों भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी काम को करने में आप जल्दबाजी ना करें। दोस्तों, बता दें कि अगली राशि है धनु राशि। बताना चाहेंगे कि इस राशि वालों को करियर के क्षेत्र में बेहतर परिणाम आप प्राप्त होंगे। खर्चों पर आपका नियंत्रण रहेगा। रुके हुए सारे काम आपके पूरे हो जाएंगे। सेहत में भी सुधार आपको देखने को मिलेगा। आर्थिक लाभ आपको इस दौरान प्राप्त होगा। दोस्तों, अगली जो राशि है वह है मकर राशि। बताना चाहेंगे कि आने वाला समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। शत्रुओं का सामना आप कर पाएंगे। हर क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होंगे। जो लोग शेयर मार्केटिंग में निवेश की सोच रहे हैं, उनको भी लाभ होगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां लक्ष्मी ज़रूर लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें।